फ्रेंड, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा कि यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करने से पहले कस्टम यूआरएल डिलीट करें, तो फ्रेंड यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करते हैं, अगर आप उससे पहले अपना जो कस्टम यूआरएल है वो डिलीट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लिया है और अपना कस्टम यूआरएल डिलीट करना भूल गए तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करने के बाद भी अपना जो कस्टम यूआरएल है वो दोबारा से चेंज कर सकते हैं, दोबारा सेट कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर ऐसा करना क्यों पड़ता है कि यहाँ पर हमें अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करने के बाद कस्टम यूआरएल चेंज करना पड़ता है, वो ऐसा होता है कि फ्रेंड जब भी आपका यूट्यूब चैनल है जो सर्च में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो यूट्यूब चैनल का नाम है चेंज कर लेते हैं। साथ ही फिर हम यहाँ पर कस्टम यूआरएल चेंज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा चैनल है वो सर्च में नहीं आता है, क्योंकि जो हमारा कस्टम यूआरएल है वो पुराने नाम से बना हुआ है, जो कि हमने चैनल का नया नाम दिया है उस नाम से कस्टम यूआरएल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप नया चैनल का नाम देंगे, अपने चैनल का नाम चेंज करके, तो यहाँ पर आपका जो कस्टम यूआरएल है आपको दोबारा से सेट करना पड़ता है, उसके बावजूद ही आपका जो चैनल है वो सर्च में आता है। साथ ही या इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी होती हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो साथ ही आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप कस्टम यूआरएल कैसे डिलीट कर सकते हैं अपना यूट्यूब का नाम चेंज करने से पहले। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है सुमित मौर्य और आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से हम वीडियो शुरू कर लेते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि अभी यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने यहाँ पर स्टूडियो पर आ जाता हूँ, जो चैनल डैशबोर्ड है। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको जो चैनल दिखा देता हूँ जिसका मैं नाम चेंज करने जा रहा हूँ, तो वो चैनल ये है, यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो इस चैनल का नाम इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो इसका कस्टम यूआरएल है जो कि रन प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पर जो कस्टम यूआरएल किसी ने सेम नाम से और ले रखा है। तो जब भी इसे सर्च में सर्च करते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ पर नाम डाल के सर्च करते हैं तो ये चैनल सर्च में नहीं आता है, ना गूगल पर आता है, ना यूट्यूब पर आता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली इस चैनल का जो नाम मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, तो आप भी यहाँ पर अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कैसे आती है, तो इसका वीडियो आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अभी जो मैं यहाँ पर ये जो चैनल है आप यहाँ पर इसका जो नाम है वो यहाँ पर चेंज करने से पहले इसका जो कस्टम यूआरएल है वो डिलीट करने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आपको चैनल डैशबोर्ड पर आ जाना है, और उस पर आने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कस्टमाइजेशन का, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको कस्टमाइजेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ पर आपको चले जाना है बेसिक इन्फो के ऑप्शन पर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आप कस्टम यूआरएल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड जो आपने कस्टम यूआरएल पहले से क्रिएट कर रखा है वो नीचे की तरफ आपको इससे दिख जाएगा, और यहाँ पर मेरा जो कस्टम यूआरएल है वो कुछ इस तरह का है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जब आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से पेज खुल जाएगा, उसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे तो फ्रेंड आपको नीचे की तरफ यहाँ पर एक यूट्यूब कस्टम यूआरएल का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर जो आपका कस्टम यूआरएल है वो आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ पेज इस तरह से खुल जाएगा, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पर रिमूव और ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर कस्टम यूआरएल डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको रिमूव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, रिमूव कर दिया है मतलब, और रिमूव करने के बाद जो आपका कस्टम यूआरएल है वो पूरी तरह से यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं मेन पेज पर आ जाता हूँ जो कि यहाँ पर आपको अभी दिख रहा है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर जो कस्टम यूआरएल है वो अभी नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो मेरे चैनल का यहाँ पर जो कस्टम यूआरएल है वो पूरी तरह से अब डिलीट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट होता है वो यहाँ पर इस तरह से आएगा ही, और यहाँ पर जो मेरा कस्टम यूआरएल था वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो अपने चैनल का नाम है वो पूरी तरह से यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, और आप भी अगर अपने चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले या तो डिलीट कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो बाद में चेंज करने के लिए आपको क्या होगा, सेम यहाँ पर सेट कस्टम यूआरएल के ऑप्शन पर आ जाना है, वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, अगर आपको कोई भी यहाँ पर सजेशन देना है या पर आपको वीडियो कैसा लगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।